सब्सक्राइब कीजिए टेक इंजन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सो दैट आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इंजन, होप यू आर डूइंग गुड। तो काफी समय हो गया हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और आज हमारे बीच है एक ऐसा गैजेट जो कि बहुत ही बेसिक नीड, साथ ही में उसका नेसेसिटी नीड है, जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, ज्यादातर रूरल एरियाज में देखा जाए जहाँ पर डार्क एरियाज रहते हैं। ये ब्रांडेड कंपनी के थ्रू आता है जिसका नाम है सिस्का, और इसका नाम है सिस्का टॉर्च, प्लस ये एलईडी का भी काम कर जाता है। इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, हियर इज द गैजेट। ये गैजेट बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, अगर मैं इसे अपने पाप के पीछे रखूँ तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी। ये जनरली आप ट्रैवलिंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं इन रूरल एरियाज एज वेल एज इन एमरजेंसी कंडीशन इन सिटीज। इसमें बेसिकली थ्री कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। वी परचेज द ग्रीन वन। यहाँ पे आपको बेसिकली एक फ्लैश फ्यूज लाइट मिल जाता है और एक फ्लैश एक टॉर्च लाइट मिल जाता है। यहाँ से इसको ऑपरेट करने के लिए दोनों कंडीशन है, यहाँ से आप अगर ऑपरेट करेंगे तो आपका टॉर्च चालू हो जाएगा और यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो आपका फ्लैश लाइट चालू हो जाएगा, जो बेसिकली फ्यूज लाइट है। सेकंड इज यहाँ पे एक और फंक्शन दिया हुआ है कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं विद योर माइक्रो यूएसबी पोर्ट। माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है तो आपके नॉर्मल फोन चार्जर से ये चार्ज हो जाते हैं। सो बाकी इसकी सारी टेस्टिंग हम फील्ड पर चलकर करते हैं। सो हम वापस आ चुके हैं फील्ड पर टेस्ट करने के लिए टॉर्च कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर हम इसे टॉर्च कंडीशन में टेस्ट करें, नॉर्मल टॉर्च जब चालू होगा तो कैसा दिखेगा, और कितने, अगर पूरी लाइटिंग मतलब सब कुछ अंधेरा है तो वो कंडीशन में क्या क्या ये दिखा सकता है कितने क्लैरिटी के साथ। तो ये डिस्टेंस जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये कम से कम मुझसे 10 या 12 फीट के आसपास की दूरी पर रहेगा। और अब इसे हम टॉर्च पे वॉल पे मार के देखते हैं कि कितना लाइटिंग दे सकता है ये हमें। सो मैं इसे फर्स्ट मोड पर डालूंगा जो है टॉर्च मोड, एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो कोई पिक्चर बना हुआ है ऑफ लॉयन, वो क्लियरली हमें दिख रहा है। जूम करो, जूम करो, जूम करो। और इसे हम पूरी तरीके से पूरी क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं आ रही। इधर इधर कहीं पे भी देखना चाहे वो क्लियरली हमें सब कुछ दिख रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं आ रही। अगर हम डिस्टेंस देखना चाहें तो डिस्टेंस भी देख सकते हैं टूवर्ड्स दिस साइड। ये देखिए वो पेड़ पे इजीली लाइट मार रहा है, कम से कम ये मुझसे 40 फीट की दूरी पे होगा, 40 से 30 फीट की दूरी पे ये पेड़ मुझे क्लियरली दिख रहा है। हर एक उसकी डालियाँ मुझे ब्रांचेस क्लियरली दिख रहे हैं। सो दैट्स द बेस्ट थिंग, ये काफ़ी डिस्टेंस कवर करता है। अगर आप पास देखना चाहें तो पास की चीज़ों को भी देख सकते हैं। अब इसके सेकेंड मोड पर जाते हैं हम। सेकेंड मोड पर जाने पर ये फ्लैश लाइट चालू हो जाता है जो कि फ्यूज लाइट है बेसिकली, बट ये अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हैं या कहीं खा रहे हैं और लाइटिंग नहीं है तो वो कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, मुझे अगर कम्प्लीटली अंधेरा है यहाँ पे, अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्प्लीटली अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक सीढ़ी और कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं जब इसे फ्यूज लाइट में डालता हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है, तो ये क्लियरली मुझे पूरा दिख रहा है और मैं इजीली पूरी सीढ़ी चढ़ सकता हूँ कोई इशू के बिना। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू, ये इसकी खासियत है।